तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साइड में ना आप लोगों को घंटी का बटन दिखाई देगा, आप लोग ना इसी पर क्लिक कर देना एंड ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाला वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल विनीत और इंडिया में जितने सारे नए नए फोन लॉन्चेस होते हैं गाइस मैं उसी के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए सैमसंग कंपनी का एक नया स्मार्टफोन लेकर आ चुका हूँ। इस फोन का नाम है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A14 और मेन बात यह फोन लॉन्च होगा 2023 के अंदर में। लेकिन इनका जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां पे गाइस इनका ऑल नोटिफिकेशन लीक हो चुका है कि इसके अंदर में फीचर्स कैसे होगा। एग्जांपल के लिए दोस्तों इनका कैमरा फीचर, बैटरी पावर, डिस्प्ले क्वालिटी कैसे होगा, सब कुछ गाइस आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो नीचे में एक छोटा सा रेड कलर का बटन दिखाई देगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करूंगा इस फोन का सबसे पहला फीचर जो कि गैज ओएस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके अंदर में आप सभी लोग ना एंड्रॉइड V11 वर्जन यूज कर सकते हो जो कि दोस्तों यह बढ़िया फीचर है। और इसके अंदर में डबल सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड आप लोग यूज कर सकते हो। और साथ में इनकी कैमरा सेटअप की बात करेंगे ना तो इसके अंदर में टोटल कैमरा आप सभी लोगों को 5 देखने को मिलेगा। एंड चलिए बात करते हैं इनका ऑल कैमरा का मेगापिक्सल के बारे में, क्वालिटी के बारे में। गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना इनके बैक साइड का जो मेन कैमरा है ना, सबसे ऊपर वाला जो प्राइमरी कैमरा है ना, इनका क्वालिटी की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को 48 MP का देखने को मिलने वाला है। और इसके नीचे में 3 छोटे कैमरा देखने को मिलेगा जिनमें से पहला के अंदर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करेंगे ना तो यह 5 MP का अवेलेबल कर दिया है। और इसके नीचे में तीसरा और चौथा छोटा कैमरा दोस्तों माइक्रो कैमरा या आप सभी लोगों को ना 2-2 MP का देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों बात करेंगे इनका सामने वाला जो कि दोस्तों सेल्फी कैमरा की क्वालिटी के बारे में। तो इसके अंदर में ना आप सभी लोगों को 8 MP का देखने को मिलेगा। 8 MP का कैमरा का लेंसेस को अवेलेबल कर दिया है। और चाहोगे ना आप सभी लोग तो यह 5ों कैमरा से आप सभी लोग ना फुल HD+ में सेल्फीज ले सकते हो और वीडियो शूट भी कर सकते हो। दोस्तों बात करेंगे इस फोन का डिस्प्ले फीचर के बारे में। तो इनका साइज आप सभी लोगों को ना 6x5 देखने को मिलेगा। और इसके अंदर में ना 120 हॉरिजॉन्टल रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर में स्पेशली गोरेला ग्लास से प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि गाइस इनका क्वालिटी ना बना रहे। और इस फोन के अंदर में आप सभी लोग ना 4K की क्वालिटी से वीडियो देख सकते हो। साथ में दोस्तों बात करेंगे इस फोन का रिजोल्यूशन के बारे में। तो इस फोन के अंदर में 720 से लेकर 1516 पिक्सल का इनके अंदर में रिजोल्यूशन को अवेलेबल कर दिया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन का मेमोरी फीचर्स के बारे में। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना यह इंडिया में ना 3 ब्रांड में लॉन्च होगा, लेकिन अभी आप सभी लोगों के साथ मैं फिलहाल एक ही ब्रांड के बारे में बात करूंगा। इस फोन के अंदर में ना मेमोरी फीचर की बात करेंगे तो 6GB रैम देखने को मिलने वाला है और 64GB इनका इंटरनल स्टोरेज को अवेलेबल कर देगा। दोस्तों हर कोई जानना चाहता है कि जब नया फोन लॉन्च होगा ना तो उसके अंदर में बैटरी पावर कितना अवेलेबल होगा। तो गैच यहाँ पे आप लोग ध्यान देना सैमसंग गैलेक्सी A14 के अंदर में आप सभी लोग इस फोन के अंदर में देख सकते हो 5000mAh का एक बड़ा साइज का बिग बैटरी। और सबसे खास बात यहाँ पर है कि इसके अंदर में ना 25W का फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल कर दिया है जिसकी मदद से आप सभी लोग ना इस फोन को बहुत ही जल्द फुल चार्ज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनका जनरल फीचर के बारे में बात करूंगा। इस फोन के अंदर में आप सभी लोग ना डबल सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड आप लोग यूज कर सकते हो। एक बेस्ट स्पीकर देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट पैटर्न लॉक भी आप लोग कर सकते हो। और सबसे खास बात इस फोन के अंदर में GPS का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है, यह दोस्तों सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान देना इनकी प्राइस की बात करेंगे ना तो इनका ना अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग इनका प्राइस होने वाला है, लेकिन यह फिलहाल ना 25,999 से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस जो लोग भी इस फोन को लेना चाहते हो, सैमसंग गैलेक्सी A14 को लेना चाहते हो ना, तो 2023 में यह लॉन्च होगा, आप सभी लोग बेझिझक ले सकते हो। दोस्तों मैं हूँ टेक्निकल विनीत और इंडिया में जितने सारे नए नए फोन लॉन्चेस होते हैं उनका नोटिफिकेशन ना हमारे पास पहले ही पहुंच जाता है। तो गाइस आप सभी लोग ना और भी नए नए फोन का नोटिफिकेशन चाहिए ना तो नीचे में एक छोटा सा रेड कलर का बटन दिखाई देगा, गाइस आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलता हूँ सेकेंड वीडियोस में,
तब तक के लिए जय हिंद।